Hi guys, this is Ankarav from Genera Studies YouTube channel. Don't mug up, try to build rational and logical study. जी Genera Studies channel में आपका स्वागत है. मैं Ankarav आपको आज current affair का question कराने वाला हूँ, जिसमें से current affair में आप पढ़ेंगे जी और उसको समझेंगे. तो current affair में हम वो question करने वाले हैं जो question जो है आपको RRB ALP टेक्नीसियन और ग्रुप डी में आए हुए हैं, उसी क्वेश्चन का ये मैं ऑडियो बना रहा हूँ. अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें. ये ऑडियो मैं बता देना वाला हूँ जो भी ग्रुप डी और ALP टेक्नीसियन का स्टेज टू देने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी लोग इससे बेनिफिट उठा सके जी. चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस ऑडियो को, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सबको भी बेनिफिट मिले. चलिए जी, एशिया क्रिकेट कप 2018 कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है. यूनाइटेड नेशन ने भारत का प्रतिनिधित्व कौन थे? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में यूएन ने भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया है? तो अहमद अकबरुद्दीन किया है. HP हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है जी? तो आचार्य देवव्रत है. हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत है. फॉरेन मिनिस्ट्री कौन है जी? इंडिया के विदेश मंत्री कौन है? तो सुषमा स्वराज है. तीसरा बौद्ध संगति अध्यक्ष, बौद्ध संगति कहाँ हुआ है? जो बिहार में हुआ है. उसके अध्यक्ष कौन है? तो मोगली पुत है. युगांडा कैपिटल, युगांडा का कैपिटल कहाँ है जी? तो कंपाला है. दादा साहेब अवार्ड 2017 किसे मिला है? तो विनोद खन्ना को मिला है. दादा साहेब अवार्ड 2017 का विनोद खन्ना को मिला है. MP के गवर्नर कौन है जी? तो MP मैंने मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबहन पटेल है जी. पेरू में भारत का राजदूत कौन है? पेरू में देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन पूछा गया पेरू में भारत का राजदूत, जो ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, लेकिन फिर भी अब एक क्वेश्चन आ गया तो फिर भी हम इसको याद रखेंगे ताकि आने वाले क्वेश्चन में हम इसको सावधानी से देख कर दीजिए. तो पेरू में भारत का राजदूत कौन है? तो संदीप चक्रवर्ती है. APJ अब्दुल कलाम की मूर्ति का उद्घाटन रामेश्वर में हुआ है, किसने किया था जी? तो वेंकैया नायडू ने किया था. किसने किया था? तो वेंकैया नायडू ने किया था जी. तो बात की जाए तो Why I am Hindu किसने लिखा है जी? तो Why I am Hindu लिखा है शशि थरूर ने. देखिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपको जितने भी सारे बुक हैं मैं उसका बुक एंड ऑथर के प्लेलिस्ट बना रखे हैं. ये करेंट अफेयर में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा. उन सब वीडियो के CEO को बना रखे हैं, तो वो सब जाके वीडियो जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सन है उनके भी मैंने वीडियो बना रखे हैं जी. तो करेंट अफेयर के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आपको ये सारी मिल जाएगी. मैं सबको बता देना चाहूँगा ये मेरा पुराना चैनल जो और ऑनलाइन रेलवे स्टडी चैनल था उस पर आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे जी. तो अब तक अपने चलिए आपने जो भी देखा क्वेश्चन ये क्या है जी, ये क्वेश्चन आपको आए हुए हैं. मैं 100% ऑथेंटिकेशन करता हूँ कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को एकदम रट जाइए, मगअप कर जाइए. चलिए सोशल फिल्म आईफा का किसको मिला है जी? तो पिकू को मिला है. आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है जी? देखिए अब आंध्र प्रदेश का कैपिटल पूछेगा, न्यू पूछेगा या प्रपोज पूछेगा तो क्या होगा? अमरावती होगा. ठीक है, पंजाब के CM कौन है जी? चीफ मिनिस्टर कौन है? अमरिंदर सिंह है. 2017 फिल्म फेयर का बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला है? फिल्म फेयर अवार्ड 2017 में बेस्ट मूवी का मिला है नीरजा को मिला है जी. पीस नोबेल प्राइज 2018 किसको मिला है? तो ICAN को मिला है. इसका फुल फॉर्म क्या है जी? इंटरनेशनल कैंपेन अबोलिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. यानी 2018 का नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है जी? तो ICAN को मिला है. चलिए पानीपत में पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी जी? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी. दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल किसने शिफ्ट किया था जी? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जी. ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन. संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल की ट्रॉफी है कहाँ हुआ था जी? तो वेस्ट बंगाल. आंध्र प्रदेश का क्या जी राष्ट्रीय पशु क्या है? देखिए आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है जी? तो ब्लैक बक है. बर्ड क्या है? तो इंडियन रोलर है. क्या है जी बर्ड कौन सा है? तो इंडियन रोलर है. वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है जी? तो USA ने जीता है. CEO सैमसंग के CEO कौन है? तो किम यून सुक के CEO है. मैं सारे CEO के जो भी आपको पूछे जाते हैं बैंक के और जो कंपनी के, मैंने सारे इंडियन CEO और फॉरेन CEO भी ऐसे जो
फेमस कंट्री के, मैंने उसके भी बना रखे हैं वीडियो। आप प्लेलिस्ट में, करंट अफेयर वाले प्लेलिस्ट में जाइए और वो सब वीडियो देखिए, आपको बहुत ही नॉलेजेबल कंसेप्चुअल। देखिए मेरा टैग ही लाइन है, डोंट मग अप, ट्राई टू बिल्ड लॉजिकल एंड रैशनल लॉजिकल स्टडी। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लॉजिकल पढ़ेंगे तो ही एग्जाम क्रैक होगा। पढ़ने के लिए करंट अफेयर बहुत सारे हैं लेकिन उतना से कुछ नहीं होने वाले। चलिए लेफ्ट हैंडर डे आया है, तो लेफ्ट हैंडर डे कब मनाया जाता है, तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। नास्कॉम के चेयरमैन कौन है जी, तो ऋषभ प्रेम जी नास्कॉम के चेयरमैन है, लेकिन नास्कॉम का अगर प्रेसिडेंट पूछते तो देवजानी घोष है जी। कौन है नास्कॉम के प्रेसिडेंट, कौन है, देवजानी घोष है, और चेयरमैन कौन है, तो ऋषभ प्रेम जी है जी। नीरज चोपड़ा किस गेम से रिलेटेड है, तो एथलीट से है। ऑप्शन में अगर एथलीट्स रहेगा तो एथलीट्स देंगे, अगर ऐसा भी हो सकता है कि जेवलिन थ्रो रहे तो या भाला फेंक रहे, ये भी हो सकता है। तो नीरज चोपड़ा किससे रिलेटेड है, एथलीट्स है, जेवलिन थ्रो या भाला फेंक से रिलेटेड है। देखिए ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, उसको हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा जी। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ने से ये भी जानिए, क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के अलावा हमको ये भी रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन को हार्ड बनाने का काम कौन करता है, तो ऑप्शन ही करता है जी। चलिए आईफा 2017 बेस्ट मूवी, तो लेफ्ट हैंड डे कब मनाया जाता है, 13 अगस्त को मनाया जाता है जी। आईफा 2017 का बेस्ट मूवी किसे मिला है जी, आईफा 2017 का बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है निर्जा को मिला है, ठीक है जी। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द ओलंपिक कौन है जी, तो फर्स्ट वीमेन जो है, वीमेन है जिसने ओलंपिक में जीता था जी, गोल्ड मेडल वगैरह कुछ भी, तो किसने जीता था जी, तो कर्णम माहेश्वरी ने जीता था। बिरला सीमेंट के सीईओ कौन है, हर्षवर्धन लोधा है। बिरला सीमेंट के सीईओ कौन है, हर्षवर्धन लोधा है। मोदी बिलोंग्स टू, यानी मोदी किस एरिया से बिलोंग करते हैं, किस एरिया से आते हैं, तो दोवाड नगर जो है अहमदाबाद में है वहाँ से वो आते हैं जी। हाईएस्ट ट्विटर फॉलोअर किसके हैं, तो हाईएस्ट ट्विटर फॉलोअर मोदी के हैं, प्रधानमंत्री मोदी के हैं जी। साबरमती रिवर के किनारे कौन सा शहर है, तो ऑप्शन में दिया था अहमदाबाद, तो याद रखिए जी अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, तो साबरमती के किनारे है। टोडा ट्राइब जो है आपको कहाँ मिलते हैं, टोडा ट्राइब कहाँ मिलते हैं जी, तो आपको नीलगिरी के हिल्स में मिलते हैं, नीलगिरी के जो हिल्स एरिया है उधर क्या है, टोडा ट्राइब मिलते हैं। न्यूटन जो मूवी है उसके हीरो यानी एक्टर जो है कौन है जी, तो राजकुमार राव है। खेल रत्न 2017 का अवार्ड किसको मिला है जी, सरदार सिंह को मिला है, देवेंद्र झाझरिया को मिला है। खेल रत्न 2017 का अवार्ड किसको मिला है, सरदार सिंह, देवेंद्र झाझरिया को मिला है। गुरमीत सिंह किसके हैं जी, किस खेल से रिलेटेड है, तो एथलीट्स से रिलेटेड है जी, किससे रिलेटेड है, तो एथलीट्स से है। सीएट बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड किसको मिला है, तो विराट कोहली को मिला है। सीएट बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड किसको मिला है जी, तो विराट कोहली को मिला है। इंडिया के लास्ट जो जज हैं, जो चीफ बात किया जाए, चीफ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें पांचवा जो सीट था, लास्ट जो पांचवा सीट था वो इंडिया के द्वारा, एक इंडियन मैन के द्वारा भरा गया है, उनका नाम क्या है, तो जस्टिस दलवीर भंडारी है। कौन है जी, तो जस्टिस दलवीर भंडारी जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका क्या बने हैं जी, जज बने हैं। तो बात की जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेग में है जी, कहाँ है, हेग में है। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है, कोलकाता में है। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है जी, तो कोलकाता में है। ओलंपिक फर्स्ट जिम्नास्टिक वुमेन कौन है जी, तो ओलंपिक फर्स्ट जिम्नास्टिक वुमेन दीपा कर्माकर है, जो पहली बार ओलंपिक में क्या है जी, इंडिया से गई थी जी। लावा के सीईओ कौन है जी, तो हरिओम राय है, सुनील भल्ला है, शैलेंद्र नाथ राय हैं, विशाल सहगल हैं। देखिए लावास के अगर सीईओ की बात की जाए तो चार लोग हैं, कौन कौन से हैं जी, हरि ओम राय है, सुनील भल्ला है, शैलेंद्र नाथ राय हैं, विशाल सहगल हैं। अब जो ऑप्शन में होगा उसको हम लोग टिक लगा देंगे जी। वन प्लस जो मोबाइल है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है जी, तो वन प्लस जो मोबाइल है उसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। कौन है जी, तो अमिताभ बच्चन है। वन गर्ल जो बुक है उसके राइटर कौन है, तो पॉल हॉकिंस है। कौन है जी, पॉल हॉकिंस है। ओटावा मस्जिद कहाँ है, ओटावा मस्जिद कहाँ है, तो कनाडा में है, कनाडा ओटावा, आपको पता है ओटावा क्या है, कनाडा में है जी। उड़ीसा के गवर्नर कौन है,
तो उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं जी। उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उत्तराखंड के सीएम कौन है जी? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। सचिन तेंदुलकर ने एक ऐप लॉन्च किया था, वो अपने फैंस के लिए एक ऐप लॉन्च किया था, उस ऐप का क्या नाम है? तो 100 MB है जी। राष्ट्रीय खेल 39 राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो मेघालय में किया गया जी। बात की जाए 2017 जम्मू कश्मीर के सीएम कौन है जी? तो देखिए अब तो सीएम कोई नहीं है, लेकिन उस समय महबूबा मुफ्ती थी तो ऑप्शन था। चलिए अभी क्या है जी, अभी कोई सीएम नहीं है। तो देखिए अपडेट रहिए, देखिए हमें ये 4 दिसंबर को ये वीडियो बना रहे हैं, तो मैं आप सबको बता देना चाहूँगा कि आप लोग इस डेट को भी याद रखें, क्योंकि गवर्नर सीएम के नाम भी बदल रहे हैं। अगर इसके बाद जो बदलते हैं आप अपने आप अपडेट कर लीजिएगा, और मैं भी थोड़ा इसको अपडेट करता रहूँगा, जो नए वीडियो आएंगे उसके अनुसार मैं भी अपडेट कर दूँगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ईवस के स्पीकर कौन है, सॉरी लोकसभा के स्पीकर कौन है जी? तो सुमित्रा महाजन है। लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो सुमित्रा महाजन है। पद्म विभूषण किस एक्टर को मिला है? पद्म विभूषण किसको मिला है जी? तो अमिताभ बच्चन, 2015 में मिला था। तो क्वेश्चन देखिए 2015 से भी पूछा गया है, इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर 19 में एग्जाम दे रहे हैं तो 17-18 दोनों साल के करेंट अफेयर जरूर ही कंप्लीट कर रखिएगा, नहीं तो आपको बहुत मार्क्स लॉस करने का संभावना हो सकता है जी। चलिए यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है जी। एडोप के सीईओ कौन है? तो शांतनु नारायण है। नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट कौन है जी? तो राजीव कुमार। देखिए अब नीति आयोग आया, तो नीति आयोग से क्वेश्चन हम रिवीजन कर लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके प्रेसिडेंट कौन है जी? तो एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी जो प्राइम मिनिस्टर रहेगा वही क्या हो जाएगा जी? प्रेसिडेंट हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट कौन है जी, यानी उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार है। इसके सीईओ कौन है जी नीति आयोग के? तो अमिताभ कांत है। ऐसा भी पूछता था कि नीति आयोग के पहले सीईओ कौन है? तो अरविंद पंगरिया थे जी। नीति आयोग के डायरेक्टर कौन है? तो दिनेश अरोड़ा है जी। तो देखिए नीति आयोग कब लागू किया गया था? 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार क्वेश्चन उसको घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, तो एक ही बार ऐसे आप पढ़ें, लॉजिकल पढ़ें, जिससे क्या हो जाएगी आपको सारे क्वेश्चन एक ही जगह याद हो जाएगी। चलिए 2016 ऑस्कर मूवी किसको मिला है जी? 2016 का ऑस्कर मूवी का अवार्ड किसको मिला है? तो स्पॉटलाइट को मिला है। फीफा 2017 अंडर 17 का विनर कौन है? अंडर 17 का विनर इंग्लैंड है। कृष्णा सोबती किस एरिया से रिलेटेड है? देखिए कृष्णा सोबती, देखिए इससे पहले पूछा गया था कृष्णा सोबती को कौन सा अवार्ड मिला है, अब देखिए अब पूछा है किस एरिया से रिलेटेड, तो ये राइटर है ठीक है जी। साइंस एंड टेक अवार्ड 2018 का साइंस एंड टेक अवार्ड किसको मिला है? तो विकास सथाय को मिला है। क्या मिला है? विकास सहाय को मिला है जी। उड़ीसा गवर्नमेंट गणेशी लाल है। उड़ीसा के गवर्नर कौन है जी? तो गणेशी लाल है। चौथे टाइम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले कौन है? लवराज सिंह है। कौन है जी? लवराज सिंह। ऐसे लवराज सिंह ने 7 बार जी माउंट एवरेस्ट पे अब तक चढ़ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना था इसलिए उन्होंने 4 बार लिखा था, अब वो 7 बार चढ़ चुके हैं। फूलों की घाटी कहाँ है, या वैली ऑफ फ्लावर इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, कहाँ है जी? तो ये उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जी? वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान है। गरुण शक्ति किसकी है जी? तो देखिए मैं युद्धाभ्यास वाला मैं भी बता रहा हूँ आप सभी को, मैंने युद्धाभ्यास वाले जो भी प्लेलिस्ट है आप प्लेलिस्ट जाए करंट अफेयर का देखिए, उसमें युद्धाभ्यास का एक अलग से वीडियो बनाया है, उसमें आप जाकर आप देख सकते हैं जी। बात की जाए नोकिया किस देश की मोबाइल है, तो नोकिया कहाँ की है जी? तो फिनलैंड की है। चेन्नई सुपर किंग के मालिक कौन है जी? चेन्नई सुपर किंग के ऑनर कौन है जी? तो इसके ऑनर है इंडिया सीमेंट के MD जो है N श्रीनिवासन, वही है जी। नैनीताल झील कहाँ है, तो नैनीताल झील आपको जो भी ताल वाले एरिया है कहाँ होते हैं वो जनरली उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो नैनीताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। रविन्द्रनाथ टैगोर स्कूल कहाँ है जी? रविन्द्रनाथ टैगोर स्कूल कहाँ है? तो शांति निकेतन में ये बना हुआ है ठीक है जी। शांति निकेतन कहाँ है आपको? वेस्ट बंगाल में। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल कौन सा है जी? देखिए अब हिमाचल प्रदेश का कैपिटल पूछता है तो इसका मतलब फर्स्ट कैपिटल पूछ रहा है, यानी जो कहाँ है? शिमला है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि हिमाचल प्रदेश का सेकंड कैपिटल कहाँ है जी? तो धर्मशाला में है। कहाँ है? धर्मशाला में है जी।
तो इस बात को देखिए, वही है क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो उसको एकदम पूरा लॉजिकली पढ़िए, जो एरिया पूरा का पूरा आपको कवर हो जाए, जिससे कम से कम मगअप करना पड़ेगा। उड़ान स्कीम, उड़ान स्कीम कहाँ है जी? उड़ान स्कीम में बात किया जाए तो आपको पूछा है कि कहाँ से कहाँ चली थी, तो उड़ान स्कीम में दिल्ली से शिमला के लिए क्या की थी, फर्स्ट फ्लाइट चली गई थी। ठीक है जी, तो सौवा एयरपोर्ट कौन सा है जी? तो सौवा एयरपोर्ट पोकयान है, पोकयान है जी, ठीक है ना। वर्ल्ड बैडमिंटन अवार्ड, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियंस अवार्ड किसको मिला है? तो नोजोमी ओकावाज को मिला है जी। एप्पल के सीईओ कौन है जी? एप्पल के सीईओ टीम कुक है। कौन है जी? एप्पल के सीईओ टीम कुक है। गुजरात के सीएम कौन है जी? तो विजय रूपानी है। गुजरात के सीएम कौन है जी? तो विजय रूपानी है। नेशनल बर्ड ऑफ म्यांमार, अच्छा नेशनल बर्ड ऑफ म्यांमार बताना है जी, तो कौन है? तो ग्रे पिकॉक जो है नेशनल बर्ड ऑफ म्यांमार है। देखिए अब इससे म्यांमार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इन सबको हमको सावधानी से पढ़ना है जी, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन लॉस ना हो, नंबर हमारा लॉस ना हो। गुजरात के सीएम कौन है जी? तो विजय रूपानी है। नेशनल बर्ड म्यांमार कौन है जी? तो ग्रे पिकॉक है। पूजा कादियान किस खेल से रिलेटेड है जी? तो विशु एक आपको गेम होता है उससे रिलेटेड है, एक क्या है मार्शल आर्ट है एक तरह का, ठीक है। तो पूजा कादियान किससे रिलेटेड है? उसु या मार्शल आर्ट भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं बोल रहा हूँ कि लॉजिक से थोड़ा सा पढ़िएगा। देखिए इंग्लिश हिंदी अलग अलग होता है, कभी कभी क्या करता है इंग्लिश को ही कन्वर्ट कर देता है डायरेक्ट हिंदी में, तो इन सब बात को ध्यान रखिएगा। 2017 लता मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है? तो जावेद अख्तर को मिला है जी। मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है जी? तो जावेद अख्तर को मिला है। ये जो मंगेशकर जी थे, हीरा लाल मंगेशकर, ये लता मंगेशकर के आते थे, फादर थे जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2018 फ्रेंच ओपन सिंगल में कौन जीता है जी? तो फ्रेंच ओपन राफेल नडाल जीते हैं जी। फ्रेंच ओपन कौन जीता है? राफेल नडाल जीते हैं। मंगोलिया का कैपिटल क्या है? तो उलन बटोर है। कहाँ है जी? उलन बटोर है। ऑस्कर अवार्ड 2018 का बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला है जी? तो सेफ ऑफ वाटर को मिला है। किसको मिला है? सेफ ऑफ वाटर को। आईफा बेस्ट मूवी अवार्ड 2017 किसको मिला है? आईफा बेस्ट मूवी निर्जा को मिला है 2017 का। पीके का ब्रांड एम्बेसडर कौन है जी? यानी उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली है। रॉकेट मैन किसको बोला जाता है? तो के सिवान है जी। के सिवान किसके अध्यक्ष है जी? तो इसरो के हेड है। 6000 रन बनाने वाली इंडियन वुमेन क्रिकेटर कौन से है जो 6000 रन बनाई है? तो मिताली राज है जी। मैक्सिमम कैप्टेंसी भी मिताली राज ने ही किया है, ज़्यादातर कैप्टेंसी किसने किया है? मिताली राज ने ही किया है। इंडिया का रैंक लैंड वाइज किस कौन सा रैंक है जी? अगर बात की जाए वर्ल्ड में, तो इंडिया का रैंक लैंड वाइज कितना होगा जी? तो सातवां रैंक है। कितना रैंक है जी? तो सातवां रैंक है। GST कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई को लागू हुआ था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है जी? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सारे इंडेक्स वाले भी एक प्ले वीडियो बनाया है, आप करेंट अफेयर के प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें जो इंडेक्स वाले हैं इंडिया इंडेक्स रैंक में, हर एक का अलग अलग रैंक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो मैंने उसके प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दिया है, आप उस वीडियो को जाकर देख चाहें तो देख सकते हैं जी। साक्षी चौधरी बोलता है किस गेम से रिलेटेड है? तो साक्षी चौधरी किससे जी? तो बॉक्सिंग से रिलेटेड है। मिस यूनिवर्स 2017 कौन बनी है जी? तो मिस यूनिवर्स कौन बनी है? ले पीटर्स बनी है। कौन बनी है? तो ले। देखिए कुछ नाम्स ऐसे भी हैं जिसे आपको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आप उसका शॉर्ट फॉर्म याद कर लें जी। क्या है जी? शॉर्ट फॉर्म भी याद कर सकते हैं, जिससे आपको क्या रहेगी, आसानी रहेगी, क्योंकि ऑप्शन तो आना ही है। साक्षी चौधरी किससे रिलेटेड है? तो बॉक्सिंग से। अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है जी? तो अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो टोडरमल थे जी। NDRF का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच हुआ था जी? तो अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। STD का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होता है। और ISD का इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग होता है। 2017 का अर्जुन पुरस्कार जो है किसको मिला है जी? ये किस एरिया से रिलेटेड है? तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है जी। वेस्ट बंगाल टचेज इन, तो पूछ रहा है वेस्ट बंगाल
कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करता है, ऑप्शन में हो सकता है जो भी हो। तो अगर बात की जाए इंटरनेशनल किस स्टेट से, किस कंट्री से, मैंने किस देश से बॉर्डर शेयर करता है, तो ये नेपाल से भी करता है, बांग्लादेश से करता है और भूटान से करता है। कौन? वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, किससे किससे करता है जी? तो नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से करता है। बात की जाए भामी दीप्ति परिणीति या बी साई परिणीति भी इसका नाम पूछ सकता है, तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा। इसके कौन है जी? तो 21 खेल से रिलेटेड है, तो बैडमिंटन से। कहाँ के हैं? तो आंध्र प्रदेश से। विक्टोरिया ओपन स्क्वैश विनर कौन है 2017 का, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। विक्टोरिया ओपन स्क्वैश के विनर 2017 में जो हुआ था कौन है जी? ईरानी ट्रॉफी 2017 का विनर कौन है? इस दोनों का क्वेश्चन के आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। देखिए मेरा मानना है कि जितना ज़्यादा आप लिखिएगा आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाइएगा, ठीक है जी? तो आप जो भी है आपको नहीं आता है तो आप गूगल से भी सर्च करके उस क्वेश्चन के आंसर दीजिए, लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रहने की संभावना होगी। बार बार एक वीडियो को ज़्यादा बार रिवीजन कीजिए। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसको दोबारा भी रिवीजन कर सकते हैं। इसका स्पीड बढ़ा कर क्या कर सकते हैं जी? प्लेलिस्ट में देखिए, यूट्यूब में जो है स्पीड बढ़ा कर आप उसको क्या कर सकते हैं जी? स्पीडली देख सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं बनाने का पर्पस यही है। अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें ताकि इस वीडियो को देखें। देखिए अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आप क्लिक वहाँ पे जो बेल आइकन दिख रहा है आप उसको क्लिक करते जाके आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जब भी मैं वीडियो प्रीमियम करूँगा आप उसको देख सकते हैं जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ बना है जी? तो न्यू दिल्ली में बना है। कहाँ बना है? न्यू दिल्ली में बना है जी। ईरानी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है जी? तो क्रिकेट से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2017 का, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस का अवार्ड किसने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है जी। किसने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है। गोदावरी गौरव पुरस्कार किसको मिला है जी? गोदावरी गौरव पुरस्कार मिला है अमोल पालेकर को। किसको मिला है? अमोल पालेकर को मिला है। लिंकन इन द बार्डो, लिंकन इन द बार्डो जो बुक है उसका राइटर कौन है जी? तो जॉन सोनडार्ड है। कौन है? जॉन सोनडार्ड है, जॉन सोनडार्ड है। यूरोपियन यूनियन की करेंसी क्या है? यूनियन है, यूरो है, सॉरी, यूरोपियन यूनियन की करेंसी क्या है जी? यूरो है। 6000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला मिताली राज, ये देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन बार बार। तो देखिए जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, तो ये बात आप मत समझिएगा कि क्या हो रहा है। आरबीआई के गवर्नर कौन है जी? तो उर्जित पटेल है। इंद्र जो है एक्सरसाइज 2017 का इंद्र एक्सरसाइज किसके किसके बीच हुआ है जी? तो इंद्र एक्सरसाइज रसिया और इंडिया के बीच होता है जी। बाहुबली के डायरेक्टर कौन है? SS राजामौली हैं। पद्मावत के मूवी के डायरेक्टर कौन है जी? तो संजय लीला भंसाली है। ये देखिए ये जो ये भी मूवी थी जब आई थी तो सब बहुत सारे चर्चे में थी, तो इसलिए सब क्वेश्चन बना है जी, ठीक है ना। इंडिया रैंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है जी? तो छठा है। वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या है जी? छठा रैंक है। गोवा के CM किस पार्टी से है जी? तो देखिए गोवा का CM कौन है? मनोहर पारिकर है। और किस पार्टी से है? तो BJP से है। तो इस तरह भी क्वेश्चन देखिए घुमा के पूछा जा रहा है जी। पद्म विभूषण 2017 का स्नूकर अवार्ड किसको मिला है जी? स्नूकर चैंपियन जो पंकज अडवाणी है, पंकज अडवाणी कौन से गेम से रिलेटेड है जी? तो स्नूकर चैंपियन से रिलेटेड। देखिए स्नूकर खेलते हैं, देखिए शतरंज या स्नूकर, देखिए ऑप्शन में हो सकता है शतरंज भी रहे तो शतरंज भी करेंगे, स्नूकर रहेगा तो स्नूकर। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिसका हिंदी और इंग्लिश भी अलग हो जाता है और किसी किसी गेम का नाम दो दो भी होता है, क्योंकि देखिए एक ही गेम में एथलीट्स में बहुत सारे गेम है तो उसको भी याद रखना पड़ेगा आपको ताकि क्वेश्चन वहाँ से भी पूछ सकता है जी। बात की जाए इन्वायरमेंटल ब्रांड एम्बेसडर कौन है जी? तो दिया मिर्जा है। वन्य जीवन संरक्षण के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जी? तो तनुश्री दत्ता बनी है। वन्य जीवन संरक्षण के ब्रांड एम्बेसडर बनी है तनुश्री दत्ता बनी है। यूनाइटेड नेशन तनुश्री दत्ता तो अपना इज्जत बजा नहीं पाई, वन्य जीवन संरक्षण का एम्बेसडर बना है। अच्छा जी, अपना इज्जत बचाइए इसीलिए, चलिए बहुत बड़ा जोक था। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट गुडविल के एम्बेसडर कौन है जी? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट के गुडविल एम्बेसडर कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा जी। गोवर्धन योजना बिलोंग्स स्टेट,
देखिए गोवर्धन योजना किस स्टेट से बिलोंग करता है जी? तो हरियाणा से बिलोंग करता है। दुर्गा पूजा रिलेटेड है, किस स्टेट से रिलेटेड है? तो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। अंडर 12 गर्ल वर्ल्ड चैंपियनशिप इन चेस कौन जीता है जी? तो वेलेंटिना गोलुबेंको, वेलेंटिना गोलुबेंको ने जीता है। चलिए जी, शिव मूर्ति जो तमिलनाडु में है इनोग्रेट किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया है जी। 2017 फिल्म फेयर कहाँ हुआ है जी? अवार्ड 2017 का फिल्म फेयर अवार्ड कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ था जी। ब्राज़ील की करेंसी क्या है? तो ब्राज़ील की करेंसी रियाल है। क्या है जी? तो रियाल है। सूचना मंत्री कौन है जी? सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद है। कौन है जी? रविशंकर प्रसाद है। और इंडिपेंडेंट चार्ज कौन किसको मिला है जी सूचना मंत्री के? तो मनोज सिन्हा को मिला है। लंदन सिचुएटेड एट थेम्स रिवर, पूछ रहा है कि लंदन किस नदी के किनारे है जी? तो थेम्स नदी के किनारे है। इंदिरा गांधी जो बुक है उसके ऑथर कौन है जी? तो जयराम रमेश है जी। इंदिरा गांधी जो बुक है उसके ऑथर कौन है? तो जयराम रमेश है। भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या है जी? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी क्या है जी? भीम का फुल फॉर्म है। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है जी? तो कल्याण कृष्ण मूर्ति है। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति है जी। मैन की बाती राइट, चलिए ये नई बुक किस क्षेत्र में टाइगर दोगुने हो गए? देखिए किस देश में टाइगरों की संख्या क्या हुई है? दोगुनी हो गई है। तो ये नेपाल है जी। नेपाल में पहले 125 लगभग थे टाइगर, अब क्या हो जाएंगे 250 हो गया है जी। राजीव गांधी अवार्ड किसको मिला है जी? राजीव गांधी अवार्ड मिला है गोपाल कृष्ण गांधी को। यहाँ याद कर सकते हैं गांधी को ही मिला है जी। त्रिपुरा के सीएम कौन है? बिप्लव कुमार देव है। आयरन लेडी जो है कौन है जी? ये नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट की है। तो कौन है आयरन लेडी इंडिया की? तो इरोम चानू शर्मिला है जी। नॉर्थ ईस्ट की आयरन लेडी है इरोम चानू शर्मिला, या इरोम शर्मिला भी इन्हें बोला जाता है। तेलंगाना के सीएम कौन है जी? तो चंद्रशेखर राव। कौन है? चंद्रशेखर राव है। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। बेस्ट एक्टर ऑस्कर का अवार्ड किसको मिला है? तो गैरी ओल्डमैन को मिला है। वर्ल्ड मलेरिया डे कब होता है जी? 25 अप्रैल को होता है, यानी 25 अप्रैल को होता है वर्ल्ड मलेरिया डे। पहले चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन बने थे जी? तो जवाहरलाल नेहरू थे। क्या थे? चेयरमैन। देखिए प्लानिंग कमीशन का ही तो नाम आपको क्या रहा है, नीति आयोग बना दिया गया जी। तो उस समय भी एक्स ऑफिसियो कौन थे? प्रधानमंत्री होते थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे उसमें प्रधानमंत्री, वहीं गए। मूर्ति देवी अवार्ड 2017 जो बंगाली राइटर को मिला है किसको मिला है जी? तो जोय गोस्वामी को मिला है। किसको मिला है? जोय गोस्वामी को मिला है। पणजी किस नदी के किनारे है जी? तो पणजी जो है मंडोई रिवर के किनारे स्थित है जी। 2017 क्रिकेट टीम को के कोच कौन चुना गया है? 2017 क्रिकेट टीम के कोच कौन है जी? तो रवि शास्त्री हैं। मोदी जी का बर्थडे कब है? तो मोदी जी का बर्थडे है जी 17 सितंबर को है जी। एशिया वीमेंस हॉकी कप 2017 के विजेता कौन है जी? तो इंडिया है। एशिया वीमेंस हॉकी कप 2017 का विजेता कौन है? तो इंडिया है। 45th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है जी? दीपक मिश्रा है। सलीम अली नेशनल पार्क कौन है? सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है जी? तो जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो गोवा में है। देखिए सलीम अली को बर्ड मैन भी बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया। तो देखिए इन सब क्वेश्चन को याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड कौन सा है जी? तो ईमू है। कौन है? ईमू है। वेस्ट बंगाल की सीमा कितने देशों से लग रही है? तो वेस्ट बंगाल की सीमा 3 देशों से लगती है जी। इंडिया का नाम किस नदी से लिया गया है? तो इंडिया का नाम किससे लिया गया है जी? इंदस नदी से लिया गया है। किससे? सिंधु नदी से लिया गया है। महाराष्ट्र का ब्रांड एम्बेसडर कौन है जी? तो महाराष्ट्र का ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान। आईफा 2017 का पर्सनालिटी अवार्ड किसको मिला है जी? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आईफा 2017 का पर्सनालिटी अवार्ड किसको मिला है जी? देखिए मैं पता करना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट इस वीडियो को कब तक देख रहे हैं।
ताकि मुझे भी पता चले कि वीडियो में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं। इसलिए मैं क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूँ कुछ कुछ बीच में, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि लड़के कहाँ तक इसको केयरफुली सुनते हैं, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस जो है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं है, जो इसके व्यूवर्स हैं कि नहीं है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जी, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें वीडियो को। इस वीडियो का लाइक हम लोग 2000 रखते हैं जी, तो देखिए हर वीडियो का टारगेट सेट कर देता हूँ, इस वीडियो का टारगेट 2000 लाइक का है, देखते हैं 2000 लाइक इसको मिलता है कि नहीं मिलता है जी। स्वच्छ भारत स्वच्छ आदत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जी? स्वच्छ भारत स्वच्छ आदत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। बात की जाए HRD मिनिस्टर मतलब क्या है जी, शिक्षा मंत्री कौन है जी? तो प्रकाश जावड़ेकर है जी। ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर है जी। माराडोना नेशनल फुटबॉल क्लब कहाँ का है जी? तो माराडोना नेशनल फुटबॉल क्लब अर्जेंटीना का है आपको। नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति आयोग के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया है, नीति आयोग से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको स्किप कर जाएंगे जी हम। ध्यानचंद बर्थडे कब है जी? आपको भी पता है ध्यानचंद के बर्थडे पे ही क्या मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है जी। सुंदरबन लोकेशन, सुंदरबन डेल्टा कहाँ है जी? तो वेस्ट बंगाल में, कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में है जी। प्ले ऑन माई वे किस बुक के राइटर कौन है जी? तो सचिन तेंदुलकर है। किससे रिलेटेड है? सचिन तेंदुलकर से थे। आई डू बुक के राइटर कौन है? आई डू की बुक के राइटर हैं रघुराम राजन। कौन है जी? रघुराम राजन। मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा, इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी है किसके द्वारा बनाई जाती है जी? तो RBI के द्वारा बनाई जाती है। खेलो इंडिया किसका प्रोग्राम है? खेलो इंडिया किसका प्रोग्राम है जी? तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है। क्या है? खेलो इंडिया प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का है जी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनी थी? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 6 अगस्त 1952 को बनी थी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनी थी? 6 अगस्त 1952 को बनी थी जी। लॉरेल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण है जी। लॉरेल जो कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है जी। ऑस्कर 2017 मूवी, ऑस्कर 2017 का मूवी बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला है जी? तो मूनलाइट को मिला है। किसको मिला है? मूनलाइट को मिला है। फतेहपुर सिकरी कहाँ है जी? तो फतेहपुर सिकरी आपको आगरा के पास है जी। फतेहपुर सिकरी कहाँ है? आगरा डिस्ट्रिक्ट में है। जबलपुर किस नदी के किनारे है जी? तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है जी। जबलपुर किसके नदी किनारे है जी? तो नर्मदा नदी के किनारे है। काला मूवी के डायरेक्टर कौन है? तो PA रंजीत है। PA रंजीत कौन है जी? काला मूवी के डायरेक्टर है। साइंस डे कब मनाया जाता है जी? तो साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। इंडियन बैंक के CEO का नाम पूछा था, ठीक है जी, इंडियन बैंक के CEO का नाम पूछा था, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप सर्च करें, चाहे गूगल से सर्च करें या आप अपने नॉलेज से भी कमेंट कर सकते हैं, तो ताकि इससे मुझे पता चलता रहे कि कितने लोगों का इंटेंशन कहाँ तक है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ जी। चलिए